गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 23rd of March 2023। कल रात को FOMC रेट डिसीशंस था, जहां पे मेजॉरिटी वर एक्सपेक्टिंग क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक एंड ए माइनॉरिटी ग्रुप वाज एक्सपेक्टिंग ए पॉज। एज वी नो दैट 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक इज डन बाय जेरोम पॉवेल, लेकिन इसके साथ वन मोर स्टेटमेंट बाय जेनेट येलेन, जहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, शी रूल्ड आउट कंसीडरिंग ब्लैंकेट इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट्स। FDIC क्वार्टर मिलियन डॉलर्स का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बीच में they were giving assurances to the depositors, irrespective of the deposit amount, all will be protected, insured. लेकिन ये comment के बाद, ये comment जो हुआ है, जहाँ पे they are not considering for blanket insurance, that means अभी क्या हो सकता है कि flight of deposits from the bank, especially from the smaller banks, यानी फिर क्वार्टर मिलियन के ऊपर जितना भी डिपॉजिट्स होगा, द डिपॉजिटर्स विल स्टार्ट विथड्रॉइंग। विथड्रॉ करने के बाद क्या कर सकता है? पहला बात है, ड्यू टू द विथड्रॉयल बैंक में प्रेशर्स आएगा, क्या पता और दो एक बैंक SVB फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की तरह हो जाए, उसमें और थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है मार्केट में। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, आपका ये जो पैसा डिपॉजिटर्स विड्रॉ करके कहां पे डालेंगे? कहां पे डालेंगे बोले तो, एक वो है जहां पे आप US ट्रेजरी को, बॉन्ड को बाई करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है, सो दैट मे कूल ऑफ द बॉन्ड यील्ड। क्या ये होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ करेंसीज पे क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स अभी है 102.13, सॉफ्ट हो रहा है, एंड जैसे ही आपका कल का जो लो दैट इज 102.0506 उसके नीचे जाएगा, तो एक शार्प मूव टुवर्ड्स 101.50। ये 101.50 काफी पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्यों डिस्कस कर रहे थे यहां पे? आई डोंट वांट टू क्लेम दैट कि मैंने कहा था, नो, आई वांट टू शो यू द सेटअप। मैंने कहा था, ये किया था, वो किया था, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, सिर्फ बोलने के लिए बोलता पोपट की तरह है। सो दैट आई डोंट वांट टू मेंशन, व्हाट आई वांट टू मेंशन इज दैट, ताकि आप आने वाले दिनों में खुद इस सेटअप को पकड़ पाओ। प्राइस लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में गया, सेंटर बैंड से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। जैसे नीचे आया, लोअर टाइम फ्रेम दैट इज डेली पे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया। क्लोज देख के एक अपटिक मारा, जो रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन पे, एंड फिर अगेन फॉल। आपको याद होगा कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, जैसे ही ये 13th March का लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, there are higher possibilities ki dollar index will move towards the lower part of the Bollinger Band on higher time frame, that is 101, apka 101.33, yani lekin humne bataya tha 101.50 ke paas. So ye setup I wanted to explain, ye apka koi bhi time frame mein ho sakta hai, monthly versus weekly, weekly versus daily, daily versus 4 hourly, 4 hourly versus hourly, hourly versus 15 minutes, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। सो देयर इज ए मींस, डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है एज पर द सिस्टम, नॉट एज पर माय एक्सपेक्टेशंस, एज पर द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। तो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप क्या है, ये मैं आपका वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी। डॉलर रुपी मॉर्निंग से थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है, 82.33। दैट बीइंग द केस, हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है वो, 182.15 से 20 तक, 82.15 से 20,
इसके लोब के नीचे एक फर्दर सॉफ्ट होने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वंस अगेन इनविजिबल हैंड्स क्या करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। आफ्टर डॉलर रुपी जनरली हैज टू गो टू जीबीपी डॉलर, बट आज मैं डॉलर येन कैलकुलेट करूंगा, कंसीडर करूंगा। डॉलर येन में क्या था, सिमिलरली सेम सेटअप था, लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में गया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। एट दैट टाइम आवर एक्सपेक्टेशन इन डॉलर येन वाज टुवर्ड्स 127 एंड 128। लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया एंड उस कैंडल, जो कैंडल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, उसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू किया, देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन 128 की तरफ जाना चाहिए एज पर द सिस्टम। सो यहाँ पे ये अभी है 130.52। यहाँ पे आप देखोगे ये जो 20th मार्च का लो कितना है 130.53। जैसे ही इस लो के नीचे कन्विंसिंगली सेटल डाउन हो जाएगा एक घंटा दो घंटा के लिए, देन अगेन इट मे मूव डाउनवर्ड। अभी क्वेश्चन ये है कि येन इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहा है, दैट इज वाई आफ्टर डॉलर रुपी आई हैव कंसीडर्ड डॉलर येन, येन इतना अप्रिशिएट क्यों हो रहा है। मार्केट इज लुकिंग फॉर सेफ हेवन करेंसीज, सेफ हेवन करेंसीज के कारण येन अप्रिशिएट हो रहा है। तो डॉलर येन चालू किया तो येन आईएनआर में भी चालू कर लेते। येन आईएनआर में आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 0.64 की तरफ। आप यहाँ पे देखोगे डेली पे ये 60 पे सपोर्ट ले चुका है, कीपिंग द लो ऑफ दिस रेंज। अभी जो एक रेंज बना इसके लो के नीचे, ये वाला लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के वन में ट्राई टू कैप्चर दिस टारगेट 63.80 से 64.00 की तरफ। आप वीकली देखोगे अबोव 60, मंथली देखोगे 50-60, सो मंथली में 40-60 के बीच में है। सो मंथली पे साइडवेज है बट रूम है टुवर्ड्स 60 में, काफी रूम है। वीकली जस्ट क्रॉस अबोव, इसका जो सर है उसको 60 के ऊपर उठाया है। सो पॉसिबिलिटीज ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। नाउ आते हैं जीबीपी डॉलर। आज बीओई का रेट डिसीशन है, क्या ये क्वार्टर परसेंट हाइक करता है या हाफ बेसिस पॉइंट हाइक करता है वो हमें देखना पड़ेगा। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो है 1.24605060 की तरफ। क्या ये लेवल पे आता है, और आता है तो इसके बाद यहाँ पे रेस्पेक्ट करके थोड़ा टाइम पास करता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला जाता है, क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर पे भी जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जोन है, करंट एरिया आपका, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे क्या ये रेजिस्टेंस मिलता है या डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 102.5070 की तरफ जाता है ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर पे अच्छा खासा तेजी है, जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस था ये 1.08 के ऊपर, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.0450। डेली RSI above 60, weekly RSI above 60, monthly is sideways. लेकिन यहाँ पे some sort of range shift type का है। जैसे ही monthly आपका February month के high के ऊपर close दे देगा, तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा up move on a monthly time frame towards 1.20 से 1.22 के तरफ जा सकता है। माइंड इट, इट्स ए मंथली, सो नो इमीडिएटली नहीं आने वाला है, मे बी 2-4-6 महीना टाइम ले सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, मार्च महीने का क्लोजिंग फरवरी महीने के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, क्या ये होता है, और रिमेनिंग जो लेफ्ट आउट ट्रेडिंग डेज है वहां पे हमें देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर अच्छा खासा बुलिशनेस है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है 90.30 से 90.50 के तरफ। डॉलर कैंडी आप देखोगे यहाँ पे जो एक जोन था 1.3650 ऑन द
higher side and 1.0650 on the lower side and 1.3800 on the higher side. इस zone पे consolidate करना चाहिए. एक बार अगर ब्रेक डाउन करता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो हमें एक लोअर डायरेक्शन में कैंडी को जा सकते हैं. यानी आपका ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है टूवर्ड्स 1.35. क्या ये होता है? उसके लिए ये जो लो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 1.3650 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज देना पड़ेगा. $80 अभी भी कल एक इन्वर्टेड पिन बार बना है, इन्वर्टेड पिन बार एट द रेजिस्टेंस जोन. आज के दिन में फिर ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. तो एक तो है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन को कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरा वाला है कि इन्वर्टेड पिन बार का हाई. इन्वर्टेड पिन बार का हाई के ऊपर एक हमें शार्प अप मूव देख सकते हैं. तीसरा वाला है कि ये आपका रेंज शिफ्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है. सो अभी हमें इंतजार रहेगा 22 मार्च का जो हाई है उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर से नीच आपका जो ये 13th मार्च का लो है, इसके लो के नीचे CNH अप्रिशिएट करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है. 13th मार्च को ये जो बड़ा कैंडल बना है उसके बाद 7 ट्रेडिंग डेज में ये अंदर में ही कंसोलिडेट किया, ये मदर कैंडल बन गया एंड 7 बेबी कैंडल्स. इसके बाद एक लो के नीचे एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द मदर कैंडल. मदर कैंडल का लेंथ आपका इतना है. तो इसके ब्रेकडाउन पे हमें इतना सा मूव होना चाहिए, दैट इज 6.75. और ऐसे भी प्रीवियस जो हमारा आउटसाइड इनसाइड पैटर्न था उसका नेकलाइन वाज द टारगेट. बिलो द नेकलाइन एम पैटर्न का टारगेट आपका था 6.74 के आसपास. So, यहाँ पे दो टारगेट है, एक है एम पैटर्न का 6.74 टारगेट और ये मदर कैंडल का जो टारगेट है 6.75 का टारगेट है. यूके ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा है. ये 20th मार्च का टिपिकल पिन बार जिसमें काफी स्ट्रेंथ दिखा है. सो इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है वो 79.50. वहां पे जाके प्राइस कैसे बिहेव करेगा ये हमें देखना पड़ेगा. यूएस 10-year ट्रेजरी आपका कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया आफ्टर द FOMC रेट डिसीशंस. अभी हमें इंतजार रहेगा 20 तारीख का जो पिन बार है इसके लो के नीचे. इसके लो के नीचे फर्दर हमें सेल ऑफ दिख सकता है. यूएस 10 टू ईयर ट्रेजरी को भी एक नजर डाल देते हैं. यूएस 2 ईयर ट्रेजरी आपका है 3.8750. यहाँ पर भी ये जो पिन बार है पिन बार के लो के नीचे एक फर्दर सॉफ्ट होने का प्रयास कर सकता है. अभी देखने वाला बात है कि द डिफरेंस बिटवीन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी एंड 2 ईयर ट्रेजरी जो पहले पीक में 100 बेसिस पॉइंट्स चला गया था वो अभी आपका 42 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है. 100 बेसिस पॉइंट्स था, देन 50 बेसिस पॉइंट्स था, अभी 42 बेसिस पॉइंट्स है. हमें ये ओवरऑल ग्रेजुअली इसको ट्रैक करना है. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. Wishing you all have a great day ahead. Thank you and bye-bye.